Hello everyone, I am Nikhil, Assistant Professor of Mechanical Department, AIST Sagar. In this video, we have performed the well crank lever apparatus experiment. So here is a experimental setup. Here is a scale, or we can say the crank scale. Here is a fulcrum, and this is the spring. Here is a load. जो basically आपका well crank lever है वो based होता है आपके law of movement पे. Law of movement क्या होता है? The summation of all the clockwise movement is equal to summation of all the anti-clockwise direction movement. ठीक है. तो before the start experiment, we have the initial state. We have regain the initial state. तो initial जो state में जो आपका ये pin point रहेगा आपके fulcrum का, ये आपके इसके state line में रहेगा. और जो spring जो रहेगी वो रहेगी आपकी zero पे हम set कर देंगे. Now अब हम लोड लगाना स्टार्ट करते हैं इस पर. सबसे पहले हम इस पर 1 kg लोड लगाएंगे. हेयर इज अ 1 kg ऑफ लोड. इस पर हमने लोड लगाया है 1 kg, और इसकी जो आपकी जो डिस्टेंस है आपकी फलक्रम से वो है आपकी 14 cm. लोड है आपका 1 kg और डिस्टेंस है आपकी 14 cm. अब हम यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोमेंट. लोड की वैल्यू आपको गिवन है, और जो आपकी जो डिस्टेंस है आपकी जो परपेंडिकुलर वो भी आपको मिल गई है. तो यहाँ पे आपको मोमेंट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट. अब हमें फाइंड आउट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट है वो. तो अब हमें इसको पहले स्टेबल स्टेट में लाना पड़ेगा यहाँ से स्क्रू के थ्रू. नाउ आप देख सकते हैं ये आपका ऑलमोस्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं ये दोनों पॉइंट. अब हम यहाँ से स्प्रिंग पे जो टेंशन है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी, यहाँ पे जो वैल्यू मिली आपको वो मिली है. नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड रीडिंग में जो हम लोड अप्लाई करेंगे वो करेंगे हम 2 kg का, जिसकी जो डिस्टेंस है आपके फलक्रम से वो आपकी 40 cm. अब इसके बाद हम दोनों ये दोनों जो पॉइंट है इसको हम इनिशियल स्टेट में लेके आएंगे या स्टेट लाइन में लेके आएंगे. फिर इसके बाद हम स्प्रिंग फेस की रीडिंग को नोट करेंगे. ये जो रीडिंग आपको यहाँ पे जो आपको रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी 4.56 के समथिंग. यहाँ पर आपने एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट है इसकी वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, और यहाँ से आपको मिल जाएगी जो मूवमेंट आपका जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है उसकी वैल्यू. ये दोनों जो मूवमेंट हैं, जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन का जो मूवमेंट है और जो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन का जो मूवमेंट है, जो की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी. यहाँ से आपको लोड मिल जाएगा, ये जो है आपका ये मिल जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इन दोनों की वैल्यू आप नोट कर लेंगे और इन दोनों को इक्वल कर देंगे.